गुलबर्गा शहर के हागरगा रोड पर ग्रैंड केयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में फ्री कोविड वैक्सीनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें गुलशन अरफात कॉलोनी और आसपास के दीगर इलाकों से लोगों ने इस कैंप में शिरकत कर वैक्सीन लगाकर कैंप को कामयाब बनाया है। इस ग्रैंड केयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर जनाब सैयद अरशद और दीगर मेहमानों ने वैक्सीनेशन कैंप के जरिए लोगों से गुजारिश की है, जहां कहीं भी वैक्सीनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है वहां जाकर आप वैक्सीन ज़रूर लगाइए। मैं सैयद अरशद जमील मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ ग्रैंड केयर हॉस्पिटल का। वही आज वैक्सीनेशन का इंतज़ाम किया गया था पब्लिक के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिस्पांस आ रहा है, 300-400 लोग हमारा वैक्सीनेशन आज हो गया है और अल्हम्दुलिल्लाह हम सबको यही चाहते हैं कि पूरे लोग वैक्सीन लें, क्योंकि आगे हालात और बिगड़ने वाले हैं। इसीलिए मेरा सबसे गुजारिश है कि सब जो हो सकता अपने दोस्तों को भी बताइए, सबको लेके आ रहे हैं वैक्सीनेशन लीजिए, मेरे पास हो या कहीं और भी हो, कहीं भी चला, लेकिन वैक्सीन लेने की कोशिश कीजिए। चाह रहे थे जितनी पब्लिक चाहे 200-300 लोग का हो गया है, हमारी ख्वाहिश है कि वैक्सीनेशन सब पब्लिक ले जाए, क्योंकि ये ज़रूरत है आजकल के दौर में, ये बीमारी बहुत इससे फैल रही है, इसके लिए वैक्सीनेशन सबके लिए ज़रूरी है। गवर्नमेंट अभी सप्लाई की है, अभी आपको भी हालात आगे और बिगड़ने वाले हैं, इसलिए बेहतर है कि जितना जल्दी हो सकता वैक्सीनेशन लेके अपने और अपने आसपास लोगों का सबके लिए भलाई का इंतज़ाम हो जाएगा। हमारी ख्वाहिश है कि हम भी ले चुके हैं, हमने भी इंतज़ाम किया है इसी दौर के लिए कि पब्लिक को आसानी हो, किसी को तकलीफ ना हो। अपने एरिया के लोगों के लिए वैक्सीनेशन का इंतज़ाम किया गया है, आकर ले लीजिए और जहाँ भी हो जाकर लेने की कोशिश कीजिए और अपने आसपास वाले लोगों को भी इतला कीजिए, आप खुद भी लीजिए और अपने आसपास में सब दोस्त भाई लोग और आजूबाजू पड़ोसियों को लेने के लिए उत्साहित कीजिए कि उनके लेने के लिए अच्छा है, उनको भी बताइए कि लेना ज़रूरी है और उन्हें भेजिए जहाँ पर वैक्सीन लिया जा रहा है। यही हमारी ख्वाहिश है, इंशाल्लाह ये इसके लिए हम आज इंतज़ाम किए थे। यहाँ पे वैक्सीजन जो चल रहा है, जो ग्रैंड केयर से जो दो रोज से फ्री कैंप डाला गया है वैक्सीजन का, वो जो भी लोग लेना नहीं चाह रहे उनको बाद में तकलीफ होती, आज फ्री में दे रहे अल्हम्दुलिल्लाह। ये दवाखाने से हमको फ्री में मिल रहा अल्हम्दुलिल्लाह, आके लेना है, अगर नहीं लेंगे तो आगे चल के टेंशन है। ये लेने से कोई नुकसान नहीं है, ये लेने से कोई तकलीफ नहीं है, ये लेने से कोई हमारे को बीमार होते वो होते ऐसे सोच है, ये सोच को ख़त्म करना है। हम बराबर ये वैक्सीन लेना है और अपने आप को एक बेहतर महसूस करना है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे जितने लोग लेकर जा रहे हैं उनके लिए भी हम शुक्रिया अदा करते हैं, जो नहीं आने वाले हैं उनको आने की हम तौफीक दे, कोशिश करना चाहिए, बराबर आके लेना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे एरिया में इतना अच्छा चल रहा तो क्यों ना आए, आके अपना आपको अपना वैक्सीन लेके अपना मुकाम कायम कीजिए। अवाम से गुजारिश की जा रही है कि वैक्सीन के बारे में जो मनफी सोच रखते हैं वो सोच को आप सोच को छोड़ के आगे बढ़िए। वैक्सीनेशन लेने से आप फर्स्ट दो डोज लेने एक बात भी अगर गलती से भी पॉजिटिव है तो वो सीवियरिटी आपको वो महसूस नहीं होगी। अवाम में जो मनफी सोच जो तरह तरह के सोशल मीडिया में जो बयान चल रहे हैं वो आप सोच से आगे बढ़िए। और ये कैंप जो जहाँ पर मुनाक़िद किया जा रहा है, जो अर्बन हेल्थ सेंटर में जो मुनाक़िद किए जा रहे हैं, वहाँ डेली वैक्सीनेशन कैंप लगा है, आप वहाँ पर जाके वैक्सीनेशन लगाइए। जहाँ पर भी कैंप मुनाक़िद किया गया है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन मुनाक़िद कर रहे हैं वहाँ पर जाके वैक्सीनेशन लगाइए। अरशद भाई जो यहाँ के डायरेक्टर हैं ग्रैंड हॉस्पिटल के, और ये हमारी जो टीम है जो लोग जो है ना वैक्सीनेशन के लिए बहुत जद्दोजहद करके इस हॉस्पिटल में जो है ना इसका जो है ना इफ्तिताह हो गया है, और मैं अवाम को ये गुजारिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आके वैक्सीनेशन लें और डरना नहीं चाहिए। कुछ लोग गलत बातें बोल रहे हैं जिससे जो है ना नुकसान होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये हमारे लिए इम्यूनिटी बूस्ट का काम करता है और हमारे हेल्थ के लिए जो है ना फ़ायदेमंद है, नुकसान नहीं है। कुछ लोग गलत जो है ना अफवाहें उठा के वैक्सीनेशन नहीं लेना बोल के बता रहे हैं, लेने से फ़ायदा है, नहीं लेने से नुकसान है। ग्रैंड केयर हॉस्पिटल मल्टी हॉस्पिटल में आज कोविड शील्ड का कैंप रखा गया है और गुलबर्गा शहरियान से मैं गुजारिश करता हूं कि इसका फ़ायदा उठाइए और कोविड जो 19 है ये की इसके इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है और इस बीमारी से दूर रहता है, और इसको कोविड इंजेक्शन जो लेना है बहुत ज़रूरी है, बहुत इंतहाई है, और 18 साल से
50 साल की उम्र के दरमियान और ज़्यादा भी उम्र रही तो बहुत अच्छा है, और इसको तमाम लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ।